अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू मून ब्लॉग। ओए होए, तो ये देखें तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि मेरा बच्चा रो रहा है। चुप करो, अभी हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं लेके। ये शजील साहब है। अस्सलाम वालेकुम, तो बिस्मा के लिए दुआ करनी है आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा। अभी इधर इसको कोई पानी शानी पिलाने के लिए रुके हैं हम लोग। इतनी भी तबीयत ख़राब हो जाए, स्ट्रिंग पीनी हमने नहीं छोड़नी, कुछ भी हो जाए, अगर डॉक्टर ये ब्लॉग देख ले फिर सही कोट लगाए तुम्हें। अच्छा, मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेडिसिन मिल चुकी है, ये बिस्मा है। ये जी हमने चेक करवा ली है और अभी हम टेस्ट करवाने जा रहे हैं। इतनी ज्यादा दवाइयाँ लिख के देनी है। ये हम लोग आए हुए थे खादिम हॉस्पिटल, तो अभी हम लोग जा रहे हैं सर। आप लोगों को इतना प्यारा सा चांद नज़र आ रहा होगा और ये चांद भी नज़र आ रहा होगा आपको। बाजू पकड़ी भी है, मैडम से खड़े नहीं होने हो रहा। ये देखें, ये प्यारा भाई होने के नाते बिस्मा को ऊपर लेके जा रहे हैं और ये ऊपर ही पहुंचा देगा बिस्मा को। तो सच्ची की रो रही है। वो तो नोजी भी बह रही है साथ में, देखो मूवी में सब आ रहा है। इस बात की कितना छोटा सा है, देखा कितना छोटा सा। कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा, जैसा लग रहा है मैं उल्टा हूँ बैठा हुआ, लेकिन मैं सीधा बैठा हूँ, लेकिन फिर मुझे लग रहा है असल में फ्रंट कैमरे की आदत नहीं है। कोई शर्म है यार नहीं है, बहन बीमार है, बहन बीमार है और ये यहाँ पे बैठ के, वो बिस्मा की मैंने पकड़ी हुई है, बहन बीमार और ये बैठ के यहाँ पे चाय पी रहा है। थोड़ी बहुत शर्म होती है बंदे में। हमारी रगों में खून नहीं, मेरी रगों में चाय पत्ती दौड़ती है। ये है बिस्मा और ये है मेरी चाय और ये है बिस्मा की दवाइयाँ, चाय में दवाइयाँ। सो गाइस, हम लोग फ्री होकर जा रहे हैं बीमार की जिम्मेदारी के लिए। तो अभी हम लोग एमएफसी पे आए हैं, बिस्मा को अबू लेके आए हैं कुछ खिलाने के लिए। बड़े बहन के जो है ना खर्चा करने आए हैं, अबू का मैं खर्चा निकालता हूं। अबू का खर्चा निकालते हैं शर्जील, निकालते हैं शर्जील, इतनी इज्जत नो मैं बन जाए। वैसे इनकी अपनी डॉक्टरी यहां पे स्टार्ट हो गई है। कैसा लगा है? पूरी बाजू दर्द कर रही है, इतनी ज्यादा इतना खून निकाला नहीं। हां, इतना खून निकाल लिया। क्यों निकाला इतना खून? अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, चार टेस्ट हुए करने, टाइफाइड, हाँ। आप लोगों ने बिस्मा के लिए बहुत ज़्यादा दवाएं कर ली हैं, जल्दी से ठीक हो जाए इंशाल्लाह। तो जी हमारी मील आ चुकी है, बिस्मा और शर्जील ने चिकन चीज़ बर्गर मंगवाया, ये बिस्मा का है और वो शर्जील का है। मैंने जिंजर मंगवाया है, साथ हमने थोड़े से नगर्स मंगवाए हैं। ये मैंने मंगवाया, हाँ ये तुमने मंगवाया। बीमार है ना, बीमार है तो हम उसकी सारी बातें मानेंगे आज, इसको कुछ नहीं कहेंगे। और ये ड्रिंक नहीं पी सकती, बीमार है ना, बीमार हो तुम इसलिए। चलो जिंदर तो तुम खा सकती हो लेकिन ड्रिंक नहीं पी सकती, ठीक है? चलो खाओ, अभी स्टार्ट करो। टेस्ट रिव्यू भी देना है ना? नहीं नहीं, टेस्ट हमने बहुत दफ़ा किया है, खाओ। शाबाश। तो गाइस, कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपने ढक्कन, बोतल का ढक्कन आपने फेंक दिया हो? गया, ढूंढो सारी गैस खत्म हो जाएगी। शाबाश। तो कैसे ढूंढ, मुझे तो कहीं नज़र नहीं आ रहा। तो जब आपकी बोतल का ढक्कन ऐसे नीचे गिर जाए और आपको मिले भी ना, तो उसका आइडिया किसका है? तुम्हारा आइडिया। तो उसके जुगाड़ के लिए आप डिस्पोजेबल ग्लास रखिए उसके ऊपर, गैस नहीं निकलेगी। सो गाइस, आप टाइम देख सकते हैं, उन्होंने वो हो गए, पौने नौ हो चुके हैं और अभी हम लोग ये
रॉयल मेडिकल नहीं रॉयल फार्मेसी बिलाल टाउन जेहलम से बिस्मो की मेडिसिन ले रहे हैं वो प्रमोशन नहीं करते हम लोगों ने प्रमोशन नहीं है ये बिस्मा खड़ी हुई है आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा टाइम लग गया हमें और डाडा जो है वो मेडिसिन लेने गए हैं बिस्मा के अंदर से एक सिरिंज खून निकाला ने सारे निकाल लिया ने मतलब जितना सारा आया था बिस्मा हाँ और हाँ मुझे याद आ गई एक और बात कि वो जो स्टिंग पी थी वो मैंने और शोरी ने पी थी बिस्मा ने सिर्फ एक सिप ली थी ये ना हो कि आप लोग सारे कमेंट्स में आके बोलो कि बिस्मा को ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए थी ये बिस्मा ने बहुत गलत कर दिया है वो मेरे गले में फंस गया था तो वो फंस गया था क्या फंस गया था रेशा फंस गया था बिस्मा के गले में और इसलिए बिस्मा ने वो एक सिप ली थी बाकी मैंने और शर्जील ने पी थी ये मुझे कहता है कल 31 अगस्त का है तो मेरे लिए दुआ करो वो क्या कहते हैं मैं बास हो जाऊँ तो वो क्या कहते हैं मैं क्या हूँ हाँ बीमारों की दुआ लग ओ हाँ मुझे याद नहीं रहा कि शोरी की कल कल का व्लॉग बनेगा कल 31 अगस्त है और शोरी का तुसी कल कर लो असी रहन देने आ सो गाइस कल 31 अगस्त और शोरी का रिजल्ट है तो सुबह 10 बजे जिस टाइम मैं सो रहा था जिस टाइम मैं सो रहा था ऐसे कोई जो है ना वो वाले रिश्तेदार हैं अब मैं गाली देता नहीं हूँ मैं मैसेज आ रहे हैं रोल नंबर सेंड करो क्यों भैया तो क्यों सेंड करें आपने इसका खर्चा उठाया हुआ था मुझे बता एक रुक जाओ मुझे बताएं कि जो जो शर्जील से रोल नंबर मांग रहे हैं आपने खर्चा उठाया हुआ था क्यों रोल नंबर भेजो सुबह आप शर्जील को उठाते थे नाश्ते के लिए सॉरी सुबह जब शर्जील का टोन अलार्म बजता था आप सुनते थे हम सुनते हैं रोज चपेड़े मारते बड़े मजे की बात मैं आपको बताती हूँ कि शर्जील का रोल नंबर पूरे घर में से किसी के पास नहीं है हमारे पास नहीं मुझे पता है बताओ 9 लाख पता नहीं आगे नहीं आता भाई हमें अपने बच्चे पे यकीन है अल्लाह ना करे अगर कोई दुर्घटना घट भी जाती है तो कोई मसला नहीं है ये जिंदगी की ये जिंदगी का पार्ट है और अगर शर्जील के साथ दुर्घटना नहीं घटेगी तो वो अंकल के साथ घटेगी क्यों अंकल भाई है सॉरी भाई बताइएगा वो नहीं बड़ी नाजुक सूरत हाल है भाई के साथ चारी भाई अगर आप तक ये वीडियो पहुंचती है तो अस्सलाम वालेकुम ओ मतलब चले वाकई देख ले सो गाइस हमारे डैडा मेडिसिन लेके आ चुके हैं ये मेडिसिन है बिस्मा के लिए आप लोगों ने बहुत ज़्यादा दुआ करनी अल्लाह पाक इसको सेहत और लंबी जिंदगी अता करे इसी के साथ हम ब्लॉग एंड करते हैं अल्लाह हाफिज़